Highway, जी, एक दो तो दिन में इन शाह महीना होने वाला है और पूरा महीना लगवाने के बाद इंजेक्शन के, के बाद मेरे घर वालों ने सोचा की हमें अपनी मासूम सी बच्ची को बाहर लेके जाना चाहिए थोड़ा घुमाना फिराना चाहिए तो यहाँ हम फैमिली आए थे जी डिनर के लिए ये आगे है मेरे बहनोई और साथ है उनका मुन्ना ताहा और मामा भाई हम सब बहने और यहाँ पर ताहा साहब जो है वो जब हम लोग बाहर निकलते हैं और फोर्टोस वाली साइड पे जाएं तो पोनी राइड लेना और पोनी को राइड करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो उसको एक दो चक्कर लाजमी लगवाता है और यहाँ पर मैं उसको पूछ रही थी कि हम कहाँ पे आए हुए हैं और आप किसके बेटे हो तो वो कह रहा था कि मैं हिना हाला का बेटा भी हूँ और बाकी हालाओं का बेटा भी हूँ पाकिस्तान में जितनी सर्दी है ना मैं सीरियसली पागल हो गई हूँ पाकिस्तान आके क्योंकि पिछले पांच साल से अलहमदुल्ला मैं ओमान में रहती हूँ मुझे इतनी सर्दी की बिल्कुल भी आदत नहीं है और ये कैमल राइड है जी जिस पर मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान आई थी तो मैं बैठी थी और ज्वाइलैंड जाने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि मैं राइड्स वगैरह नहीं लेती हूँ यहाँ पर भाई और मेरे बहनोई जो है सबसे बड़े वाले वो लोग डिसाइड कर रहे थे जगह की हम लोगों को खाना कहाँ पे खाना चाहिए और ये मौसम आप देख लो कितनी ज्यादा सर्दी है एक भी धूप नहीं निकली बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो खाना हम लोगों ने कहा कि बाद में खाते हैं बट पहले ताहा साहब को खेलना था थोड़ा सा क्रिकेट तो भाई और मेरे बहनोई तहसीन भाई जो हैं वो ताहा को खिला रहे हैं जी क्रिकेट और क्रिकेट खेलने के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग जाएंगे खाना वाना खाने के लिए जो कि मैं सिर्फ देखूंगी खाना तो मुझे वैसे बाजार का हर किस्म का खाना मुझे मना है चले 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 मानो चले फोर्ट्रेस में जी पहले हम लोग गए थे बुंदुहान लेकिन वहाँ पे स्टेक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी और इन लोगों का मूड था स्टेक्स खाने का फिर हम लोग गए शेजान में और उसकी सिटिंग इन लोगों ने इतनी बिगाड़ दी है ना सत्यानाश कर दिया उसकी सिटिंग का तो फिर हम लोग आगे थे जी सीधा एम एम आलम रोड पर और ये मेरा फेवरेट होटल है खाना खाने के लिए यहाँ पर एक दो दफा मैं पहले भी आ चुकी हूँ मैजीनेट में और यहाँ पे सब अपना अपना ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं कि किसको क्या खाना है और यहाँ पर सबसे पहले आया था जी मजेदार सब फ्रेश रशियन सैलेड जो कि सिर्फ मैंने टेस्ट किया था एक बाइट में और उसके बाद इन लोगों की स्टेक्स वगैरह आ गई थी इसमें चिकन स्टेक भी थी और मटन स्टेक भी थी साथ ही ऑर्डर की थी मटन कड़ाही चिकन कड़ाही और ये फिंगर फिश ऑर्डर की थी जो कि बहुत ही ज्यादा मजे की थी बट मुझ मासूम ने सिर्फ ऑर्डर किया था चिकन फ्राइड राइस सिंपल से प्लेन से मैंने वो खाए थे साथ था जी मार्गरीटा और थे चिकन सैंडविचेस मार्गरीटा मैंने जरूर पिया था इतनी ठंड में लेकिन सीरियसली जो मार्गरीटा का टेस्ट इनका होता है ना वो मैंने कहीं पर अभी तक लाहौर में तो एटलीस्ट मैंने नहीं उतना मजे का मार्ग्रेटा पिया यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ जो थोड़ी सी चिकन कड़ाही की लुक जो कि सिर्फ मैं लुक देखकर ही गुजारा कर रही थी लेकिन अब मुझे इस चीज़ की हकीकत में समझ आ चुकी है कि परहेज इलाज से बेहतर है खाने खाने से जब हम फ्री हुए तो फिर नीचे आए तो ये इतना प्यारा क्यूट सा टेडी बेयर था और इसकी तस्वीर राइट अवे मैंने क्लिक करके अपने हस्बैंड को भेजी क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और आइसक्रीम भी बाद में हम लोगों ने खाई थी जो कि मैं क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर सकी और यहाँ पे ताज साहब जिद कर रहे थे की मुझे पीछे हाला के पास जाना है The next day. ये मेरे कुछ पार्सल्स आए थे दराज से मैं पाकिस्तान हूँ और दराज से शॉपिंग नहीं करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता इस सब तो खैर मैंने काफ़ी कम शॉपिंग किया है दराज से क्योंकि मैं बीमार थी तो जो थोड़े बहुत मेरे पार्सल्स आए हैं मैंने कहा कि वो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए सबसे पहले जी मैंने एक ये मिनी वॉलेट जो है ये ऑर्डर किया था और ये मैंने ऑर्डर किया था ये काफ़ी सारी लाइक जो ब्लॉगर्स हैं इन्फ्लुंसर्स हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया था और मैंने फिर जब इसको ऑर्डर किया तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आ, इतनी कम प्राइस में इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है ये मैं वन वीक से यूज़ कर रही हूँ ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगे कि फिर इसी तरह का सेम जो है वो मैंने आ, ये इसका जो है बड़े वाला पाउच भी ऑर्डर किया है और ये मेरा कल रात को आया था आजकल दराज़ वाले जो हैं वो पार्सल वो आधी आधी रात को डिलीवर कर रहे हैं लाइक टेन ओ क्लाक नाइन ओ क्लाक इस तरह से तो ये देखें जी ये मुझे रात को रिसीव हुआ है आ, हाँ बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी और मुझे इस तरह के जो हैं क्लचेज़ पाउचज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं मेरे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन है ना क्लचेज़ की और पाउचज़ की कि जिसकी हद मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा दिल करते बस मैं क्लच खरीद लूँ या मैं हैंड बैग जो है उसको परचेज़ कर लूँ इसके अलावा जी हम लोगों ने दराज से जो ऑर्डर किया है ये मेरे मियाँ साहब ने बेसिकली मंगवाया था ये होल्डर है ट्राईपोर्ट वगैरह के साथ लगाने के लिए हमारे पास दो तीन ट्राईपोर्ट्स हैं तो उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा मुझे इस तरह का होल्डर चाहिए बेगम तो ये वाला होल्डर जो है उनके कहने पे मैंने एक ऑर्डर किया है और साथ ही साथ जो मेरी आ, ये वाले <laughs> क्लच के बाद आ, मेरी जो मोस्ट फेवरेट चीज़ है वो है जी ये वाला मेरा ट्रैवलिंग पाउच मैंने मंगवाया है स्पेशली लाइक like, अपने पासपोर्ट्स वगैरह रखने के लिए आईडी कार्ड्स वगैरह रखने के लिए तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये देखें जबरदस्त कलर भी बहुत प्यारा है क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है ये तो ये अब तक का लेक मेरा मोस्ट फेवरेट है और मेरे ओमान वाले घर में भी जितनी भी मैंने डेकोरेशन वगैरह की हुई है वो एटी परसेंट जो है दराज से मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी वो अल्लाह हेर कर वापस जाऊँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या मंगवाया था मैं आपको इन प्रोडक्ट्स की प्राइस भी बता देती हूँ इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज ये ये मुझे रिसीव हुआ था फोर ट्वेंटी और मे बी फोर थर्टी क्योंकि इसका मैंने रेपर जो है वो फेंक दिया था इसलिए मुझे कोई कन्फर्म नहीं है बट ये फोर हंड्रेड से अबव भी था और ये वाला क्लच जो है जी मुझे रिसीव हुआ है सेवन हंड्रेड रुपीज़ का ये वाला जो है ट्रैवलिंग पाउच ये मुझे रिसीव हुआ है सिक्स सिक्सटी एट रुपीज़ का अच्छा ये वाला जो होल्डर है ये मुझे रिसीव हुआ है जी थ्री एटी एट रुपीज़ का क्वालिटी हर चीज़ की एक से बढ़ के एक है और इसको मंगवाने का मेन मकसद मेरा ये था कि अलहमद्ल मेरा पासपोर्ट भी रीनीू हुआ है तो अब दो दो पासपोर्ट हैं और बार बार जब आपको एयरपोर्ट पर जाके पासपोर्ट निकालना पड़ता है तो आप अपने हैंड बैग में जब उसको फेंक देते हो तो सारी चीज़ें फिर इधर उधर गिरनी पड़ती हैं तो अब तक कीजिए ये मेरी दराज की शॉपिंग है जो कि बहुत ज्यादा कम है वरना मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ दराज से वी, वी, जैसे ही जी जरा सी धूप निकली हम तहा उसके फ्रेंड्स को ले गए थे जी जू बट जू जब हम लोग पहुंचे तो हमें पता लगा कि सारा जू उन्होंने तोड़ फोड़ की हुई है रेनोवेट कर रहे हैं उसको तो हम अपने घर के पास एक छोटा सा गार्डन है जिसके अंदर उन्होंने कुछ बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पे ले आए यहाँ जो है अंकल वो पिटारी या पत्नी पटारा उसको कहते हैं उसमें स्नेक्स लेके बैठे हुए थे और बाय द वे आई एम वेरी मच वेरी वेरी मच केयर्ड ऑफ स्नेक्स एंड डॉग्स मतलब इस तरह की चीजें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बहुत ज्यादा मुझे इनसे डर लगता है बट फिर भी मैंने कहा कि अंकल बैठे हुए हैं तो लाइक थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग भी तो जैसी उन्होंने शाम को निकाला तो मेरी तो लिटरली चीहे निकलने वाली हो गई थी हमारा बच्चा जो है ना ताहा वो लिटरली सही अपनी मामा की तरह डेरिंग है उसे नहीं डर लगता लाइक स्नेक डॉग कैट लाइन टाइगर वो तो उनको भी कहते हैं कि अम्मा इनको घर ना ले आए मामा इनको घर ना ले आए उसे इतने पसंद है मैं कहा को कंटिन्यूस कह रही हूँ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ वो मुझे कहता है कुछ नहीं होता ही नहीं कुछ नहीं होता अम्मा आप क्यों डर रहे हो कुछ नहीं कहते ये तो बहुत प्यारे होते हैं ये तो ये होते हैं ये तो वो होते हैं उसका बस चले ना लिटरली वो घर को पूरा जू बनाते हमारे पास ना बस उधर जाके मम्मा ये था जी मेरा आज का ब्लॉग पूरे मंथ के बाद मैंने ब्लॉग शूट किया है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अल्लाह हाफिज़